फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रही है तो बहुत तरीके के मोदक बनेंगे। अभी सभी लोग बनाएंगे मोदक, तो मैंने भी ये ट्राई किया है। मोदक पहली बार बनाई है मैंने, और इसे बनाना बहुत इजी है। आप भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, एकदम फटाफट बन जाती है ये मोदक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन किया है, कढ़ाई रख दी उसके ऊपर। अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, ये बड़ी चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है, 1 और आधा चम्मच। और ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। ये देखिए, 1 बड़ा कप भर के सूजी है, मतलब ये बड़ी कटोरी, उससे थोड़ा सा कम मैंने सूजी डाली है इसमें। और इसे हम अच्छे से घी में भून लेंगे अच्छे से। इसका कलर थोड़ा ही चेंज हो उतना ही हमको भूनना है, और अच्छी खुशबू आने लग जाती है ऐसा इसको हमको सेकना है। तो ये देखिए, इसका कलर एकदम से डार्क नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी हो चुकी है। 1 आधा मिनट और इसको हम ऐसे चलाएंगे और ये अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो ये मत सोचिएगा कि लम्स बनेंगे, क्योंकि हमने इसको घी में सेका है ना, तो इसके लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेगी ये। और ये देखिए, धीरे धीरे ये सूजी सब दूध को अब्जॉर्ब कर गई है, तो ये गाढ़ी गाढ़ी हो रही है। और इसको हमको अच्छे से सेकते जाना है। अभी मैं इसके बीच में डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, थोड़ा इसका मावा जैसा टेस्ट आए इसके लिए। और ये मैंने शक्कर डाल दी है, शक्कर आपको जितनी चाहिए चीनी उतनी डालिएगा, मीठा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मैंने ये डाल दिया। अभी चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला होता है, तो ये देखिए। और फिर हम इसको सेकते रहेंगे ना, इसे चलाते रहेंगे, तो ये अच्छे से एक टाइट डो जैसा बन जाएगा। तो ये बन गया है। अभी मैं इसमें केसर का दूध डाल रही हूँ, पहले डालना चाहिए लेकिन मैं भूल गई थी। और ये मैंने डाल दिया है इसमें, और 2-3 बूंद में केवड़ा एसेंस का भी डाल दूंगी इसमें, तो वो भी मैंने डाल के मसल दिया है। और ये देखिए, इसका कलर एकदम येलो मस्त आया है। इसका कलर, अपन मावे का मोदक खाते हैं ना, वैसा इसका कलर आया है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे हम, तब तक इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देना है क्योंकि बहुत गर्म है ये अभी। तो ये मैंने बादाम की कतरन ली है थोड़ी सी, और ये पिस्ता लिया है थोड़ा सा, पिस्ता मैंने एकदम बारीक कट किया है। ये मिल्क पाउडर है थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीनी ली है पीसी हुई डाली है मैंने इसमें, और मलाई डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी, ये घर की मलाई है फ्रेश। और थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे इसको बाइंड करने के लिए। तो ये चम्मच से मैं मैश कर रही हूँ, फिर मैं हाथ से करूँगी। एक चम्मच में बहुत चिपक रहा है, तो मिल्क पाउडर है इसके लिए। तो अभी मैं इसको हाथ से मसल के और इसका अच्छे से ये बना लेंगे मसाला। ये देखिए, अच्छे से बन चुका है। और इसकी छोटी छोटी हम गोली बना के रख लेंगे, बॉल छोटी छोटी। तो ये मैं इनकी बॉल बना के मैंने रख ली है इसकी स्टफिंग के लिए। अभी ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है सूजी हमारा। और अभी मैंने ये मोदक का मोल्ड लिया है, इसमें मैं ये देखिए सूजी भर रही हूँ अच्छे से। इसको दबा दबा के चारों तरफ भरना है, और बीच में थोड़ा सा जगह रहने देना है, खड्डा रहने देना है इसमें, जो हमने वो इसकी बादाम और पिस्ता की जो बना के रखी थी ना मसाला, वो इसमें भरना है। और ये ऊपर से वापस ये सूजी का ये लगा देना है, और इसको अच्छे से प्रेस करना है। और फिर ये खोल के देख लीजिए इसे, एकदम मस्त मोदक बन के रेडी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। इसमें स्टफिंग अलग अलग भरते हैं, कोई गीले नारियल का वो भरते हैं बुरादा, कोई क्या भरते हैं। मैंने आज बादाम और पिस्ता भरा है इसमें, और मावा भी आप भर सकते हैं। तो ये मैं दूसरा भी आपको भर के बता रही हूँ कि कैसे इसको भरना है। सबको आता है आजकल, लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये वापस देखिए, ऐसे खोल के और इसे खोल देंगे ऐसे, तो ये मोदक बहुत जल्दी बन जाती है, इतना हमको कोई टाइम नहीं लगता है। और ये मैंने बना ली है, येलो तो इतनी बनी है। इसमें से थोड़ा मैंने पार्ट रख दिया था, अभी थोड़ा सा पार्ट मैंने निकाल लिया इसका सूजी का, उसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर डाला है, और इसको अच्छे से मसल के ये कलर कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये थोड़ा डाल दिया है। अभी मैं इसको चम्मच से लेके मोल्ड में भरूंगी, एक साइड में ये पिंक कलर डालूंगी इसका, और एक साइड में इसमें येलो कलर डालूंगी। इसमें मैं स्टफिंग नहीं भर रही हूँ क्योंकि स्टफिंग बहुत कम बनी थी और मुझे उतनी ही बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इतनी ही स्टफिंग बनाई है उसकी। और ये देखिए, एक साइड में मैंने येलो वाला भर दिया, एक साइड में पिंक वाला भर दिया, ये डबल कलर का बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो ये देखिए, ये मोदक बन के रेडी है। ये देखिए कितने जल्दी जल्दी बन रहे हैं, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। अभी ये गणपति भगवान का ये सब आ रहा है, तो
उसमें बहुत तरीके के मोदक बनेंगे, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बहुत इजी बन जाती है, एकदम आसान है, टाइम भी बचता है इसमें हमारा, और कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है इसमें। आप इसमें सूजी में अगर मिल्क पाउडर ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट एकदम मावे जैसा आएगा। मैंने कम ही डाला है क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी, तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कहीं मिल्क पाउडर से ज़्यादा चिकटा नहीं हो जाए, लेकिन नहीं हुआ वो। तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर की जगह पे आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये तीसरा भी मैंने बना के बताया आपको, बहुत इजी बन जाता है। दूसरा बनाया है शायद मैंने, और ये बन गए हैं पिंक और येलो वाले भी, और येलो वाले भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी लेके आती रहूं। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है ये रेसिपी मेरी, तो नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही है। जो भी अगर मिस्टेक है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सुधार कर सकें। और ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, ये मैं पिंक और येलो वाली आपको तोड़ के दिखा रही हूँ मोदक। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी भी बनी है और अच्छी भी बनी है बहुत। अभी मैं ये स्टफिंग वाली भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।